सेटअप होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। एंगल कुछ ऐसा होगा जब लोग मोटर लॉगिंग करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एजडी ब्लॉग्स। ब्लॉग कैसे होप से भी अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग है इसके ऊपर कि आप लोग हेलमेट पे मोबाइल माउंट कैसे करें और मोबाइल पे हेलमेट माउंट करने के लिए कौन सी एक्सेसरीज की जरूरत होती है, वो सभी एक्सेसरीज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। पहली तो है ये सारे एक्सेसरीज। इसमें सारा का सारा जे माउंट है, पोल माउंट है और जो फ्लैट सरफेस माउंट है वो भी है, तो ये आप लोग को मैं दिखाऊंगा। एंड उसके बाद आप लोग को चाहिए ये वाला ट्राइपॉड। ये है ट्राइपॉड माउंट एडाप्टर, ये स्लोबिक का है, तो ये भी आप लोग को दिखाऊंगा। एंड उसके बाद चाहिए आप लोग को एक हेलमेट, और हेलमेट जो आप लोग खरीदेंगे ये जो फ्रंट का सरफेस है ये प्लेन वाला खरीदना आप लोग, क्योंकि कुछ कुछ हेलमेट में ये प्लेन नहीं रहता है और जिस हेलमेट में ये प्लेन नहीं रहता है तो आप लोग वहाँ पर माउंट नहीं कर सकते। जब भी हेलमेट खरीदे आप लोग ये प्लेन वाला, ये जब ये फ्रंट का जो पोर्शन है ये अगर प्लेन हो तभी खरीदे, तभी आप लोग मोटर ब्लॉगिंग करने के लिए यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। या तो आप स्ट्रप माउंट यूज़ कर सकते हैं या तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लैट माउंट। तो ये है स्लोबिक का ट्राइपॉड माउंट एडाप्टर। तो आप लोग जब भी माउंट एडाप्टर खरीदेंगे मोबाइल माउंट करने के लिए तब ये वाला खरीदे, क्योंकि इसमें एक प्लस पॉइंट होता है, ये जो स्क्रू होता है ऊपर इसको हम लूज या टाइट कर सकते हैं। तो मोबाइल के लिए बेस्ट है, सेफ है। और बाकी जो एक्सेसरीज है वो है ये। अभी इसके अंदर क्या क्या मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो इसके अंदर है ये है पोल माउंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आप लोग को ये आ गया जे माउंट, और इसके बाद ये है फ्लैट सरफेस वाला माउंट जो मैं अपने हेलमेट पे यहाँ पर इसको चिपकाने वाला हूँ। तो ये जो प्लेन सरफेस वाला माउंट है, इसके अलावा और एक माउंट आता है, वो है स्ट्रेप माउंट। देखिए स्ट्रेप माउंट का प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने स्ट्रेप माउंट भी यूज़ करके देख लिया। मोबाइल का वॉइस ज़्यादा होने के कारण जब स्ट्रेप माउंट से आप लोग मोबाइल को माउंट करेंगे हेलमेट पे, तब स्ट्रेप माउंट क्या होता है, अंदर से उसको ऐसे खींच के क्लिप लगा चिपकाना होता है। लेकिन स्ट्रेप माउंट का एक ही फायदा है कि उसको आप खोल के रख भी सकते हैं और हेलमेट पे चिपका भी सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला माउंट आप लोग एक बार हेलमेट पे चिपका दे तो आप वापस खोल नहीं सकेंगे, लेकिन स्ट्रेप माउंट आप खोल सकते हैं फिर से लगा भी सकते हैं। लेकिन स्ट्रेप माउंट का एक ही प्रॉब्लम होता है, जब मोबाइल का वेट ज़्यादा होने के कारण वो थोड़ा हिलता है। मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया है, इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मोबाइल से मोटर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप लोग ये वाला फ्लैट सरफेस वाला माउंट यूज़ करें। तो इसको हेलमेट में चिपकाने के लिए इसके साथ एक ग्लू आता है, लेकिन इसके साथ आप लोग को आपको एमसील यूज़ करिए। आप लोग को पता ही है एमसील का काम क्या है, तो एमसील यूज़ करके हमको ये वाला माउंट जो है ये हेलमेट में चिपकाना है। और जितने सारे भी एसेसरीज मैंने आप लोग को दिखाया वो सभी एसेसरीज के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अभी हमारा काम है ये वाला जो माउंट है इसको हेलमेट चिपकाना एमसील के साथ, तो अभी करते हैं ये। गाइस फिलहाल ख़त्म कर दिया, ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने पूरा इधर साइड में पूरा इसको एमसील से चिपका दिया है पूरा बढ़िया तरीके से। अभी इसको सुखाने के लिए देना पड़ेगा, और इसको सूखने के लिए टाइम लगता है 8 आवर्स। तो बाकी का जो ब्लॉक है ये पूरा सूखने के बाद मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। तो अभी इसको इस तरीके से आराम से आप लोग लगा दीजिए, एंड इसके बाद इसको सुखाने के लिए रख दीजिए। अभी इसको रख देते हैं, और वैसे भी आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब हमारे जो सूर्य भैया है उनका प्रकोप थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है आज कुछ 6-7 दिनों से। लगता है घरवाली से थोड़ा झगड़ा वगैरह हो गया है, इसलिए हम सबको बता रहे हैं पूरा अपने प्रकोप से, तो उनके प्रकोप का थोड़ा बहुत फ़ायदा तो लेना पड़ेगा ना। तो इसीलिए अभी जाके इसको आराम से सुखाने के लिए रख देंगे। तो गाइस अपना हेलमेट हो चुका है पूरा फिक्स। ये जो फ्लैट सरफेस वाला माउंट है ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बाकी का काम, बाकी का जो एसेसरीज है वो कैसे कैसे फिट करते हैं, तो वो आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया ये यहाँ पर पूरा सूख गया, आराम से ये अभी लगा सकते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पर ये जो जे माउंट है, ये जे माउंट हमको यहाँ पर इस तरीके से फिट करना है। तो मैं फिट कर लेता हूँ फिलहाल। ये लग चुका है जेमा। तो उसके बाद आप लोग को चाहिए ये वाला स्लोबिक का ट्राइपॉड एडाप्टर। यहाँ पर मैंने ये पोल माउंट प्लेस कर दिया। आप लोग पोल माउंट यहाँ पर भी लगा सकते हैं
और यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ये दोनों जगह है, यहाँ पर और यहाँ पर। और साथ में मैंने इसको यहाँ से खोल लिया, ये यहाँ पर फिट होता है ऐसे, मैंने इसको इसलिए खोल लिया क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा ज़्यादा लंबा है और जब यहाँ पर इस तरीके से इस पोजीशन पे अगर मोबाइल को फिट करने की कोशिश करो तो मोबाइल इस साइड पे ज़्यादा निकल के आता है, तो इसीलिए मैंने इसको खोल लिया और इसकी वजह से थोड़ा वेट भी कम हो जाता है। तो अभी आप लोग इस पोजीशन से भी लगा सकते हैं या फिर ये जो नीचे मैंने लगाया है फोन माउंट, इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद हेलमेट पे ये पोजीशन जो है इसको इस तरीके से हम लगा सकते हैं, इसको ऐसे फिट करना है इस पोजीशन पे। एंड उसके बाद ये जो स्क्रू है इसको हम लोग आराम से यहाँ से फिट करके हम लोग टाइट कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप लोग ऐसे लगा सकते हैं या इस चीज़ को नीचे करके भी लगा सकते हैं। आप दोनों दो पोजीशन से ऊपर ऐसे या तो ऐसे नीचे, मैं पहले नीचे लगा रहा था लेकिन अभी ऐसे लगाता हूँ। ऐसे लगाने में फायदा एक होता है कि ये हेलमेट जो है ये फिक्स रहता है। आप लोगों ने अगर मेरा फर्स्ट मोटोब्लॉग वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैं बोल रहा था कि मेरा हेलमेट थोड़ा नीचे खिसक रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने इस चीज़ को नीचे लगाया था और मोबाइल का वेट नीचे आ गया, तो इसलिए हेलमेट थोड़ा नीचे खिसकते रहता था। तो अभी वो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया क्योंकि मैंने इसको ऊपर लगा लिया। तो इसको ऐसे फिटिंग करने के बाद मोबाइल आप लोग यहाँ पर है और यहाँ पर मोबाइल आराम से प्लेस कर दीजिए। एंड इसके बाद ये जो स्क्रू है इसको हम लोग टाइट करके मोबाइल को फिक्स कर देंगे। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये वाला ट्राइपॉड अडैप्टर खरीदना, क्योंकि इसको इससे मोबाइल गिरने का चांसेस जीरो हो जाता है। ये पूरा आराम से इधर स्क्रू से टाइट करके फिट कर सकते हैं हम लोग, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसलिए मैंने बोला कि आप लोग जब भी ट्राइपॉड अडैप्टर खरीदे ये वाला खरीदे जो स्क्रू से लूज से टाइट कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास एक्सटर्नल माइक नहीं है, मैं अभी रिकॉर्डर नहीं किया, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ हेडफोन। ये एमआई का हेडफोन है और ये नॉइज़ कैंसिलिंग वाला हेडफोन है, लेकिन फिर भी नॉइज आता है। अगर माइक ना हो तो हेडफोन से नॉइज तो होता ही है, मैंने ये फेस किया है प्रॉब्लम। तो आप लोग एक्सटर्नल माइक भी खरीदें, मैं भी खरीदूंगा कुछ दिन बाद। तो लेकिन अभी आप लोगों को डेमो दिखाने के लिए मैं हेडफोन का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कैसे हम लोग मोबाइल से कर सकते हैं, मोबाइल से कैसा एंगल आता है, साउंड क्वालिटी कैसा होगा। हेडफोन में थोड़ा नॉइज आएगा लेकिन फिर भी चल जाएगा, अभी के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए अभी के लिए चल जाएगा। हेडफोन को अभी मैं ये हेलमेट के अंदर यहाँ पर कहीं पर भी फिट करूँगा अभी, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ बाहर जाके कैसा होता है मोबाइल से मोटो ब्लॉगिंग करने में, एंगल कैसा आता है, साउंड कैसा आता है, कैसा दिखने में कैसा होगा, सब कुछ मैं आप लोगों को बाहर जाके दिखाता हूँ। सेटअप होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। तो अभी साउंड कैसा आ रहा है पता नहीं, हो सकता है अच्छा ही होगा। तो अभी ये सेटअप है, अभी हमको राइड करना है और राइडिंग जो पोजीशन है वो है ये। हमको ऐसे बाइक चलाएंगे तो कभी कभी ये मीटर बॉक्स दिखेगा, हैंडल दिखेगा सामने का नहीं, और कभी कभी थोड़ा दिखेगा थोड़ा नहीं दिखेगा। तो अभी हम लोग बाइक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक बार ट्राई करके कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, साउंड क्वालिटी कैसा होगा। एंगल इतना बुरा नहीं है और जब भी मोबाइल से आप लोग मोटो ब्लॉगिंग करेंगे तो वाइड एंगल ऑन कर लीजिएगा। तो एंगल कुछ ऐसा होगा जब आप लोग मोटो ब्लॉगिंग करेंगे, स्पीड में चला सकते हैं। अभी जो हेलमेट का प्रॉब्लम था नीचे जाने का, वो प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, वो अच्छा है, बढ़िया है अभी, वो दिक्कत नहीं दे रहा है अभी फ़िलहाल। बाकी सब बढ़िया है भाई साहब, बहुत ही मज़ा आ रहा है अभी। लोगों देख लिया हम लोग बाइक स्पीड में भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही स्पीड में चलाने में भी। तो यही था मेरा आज का सेटअप, आप लोगों को मैंने आराम से डिटेल्स में दिखा दिया कि हेलमेट पे मोबाइल माउंट कैसे करते हैं। तो दो लोग अभी सोच रहे कि मेरे पास गोप्रो नहीं है, मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर सकता, तो भाई गोप्रो को छोड़ो और अपने जो मोबाइल है हाथ में उसी से अपना मोटो ब्लॉगिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि जो भी हो, हाँ गोप्रो से थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है, क्वालिटी अच्छा आता है, लेकिन अगर स्टार्ट करना है कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही होता है। तो अगर आप लोगों को पैशन है यूट्यूब पे ऊपर
आप लोग मोटर ब्लॉगिंग के ऊपर मोटर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से जब तक गोप्रो खरीदेंगे खरीद लेंगे, लेकिन अभी के लिए तो मोबाइल से यूज़ करें। अभी जैसे मेरे पास अभी गोप्रो नहीं है तो मैंने ये जुगाड़ कर लिया मोबाइल से। जो भी अगर पैशन है कुछ, अगर चीज़ से आप लोगों को पैशन है, अगर करने का मतलब दिल से मन है, तो जैसे भी हो जाए, जैसे जैसे कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता है सभी चीज़ों का। तो इसीलिए ऐसे मोबाइल से आप लोग मोटर ब्लॉगिंग कर सकते हैं। मैंने आप लोग को दिखाया, बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है गोप्रो और मोबाइल के बीच में, वो अलग सी बात है, लेकिन आप लोग एक अच्छा सा अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरीके से मोटर ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और अगर मोबाइल थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, मोबाइल का अगर कैमरा क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, तो आप लोग को क्वालिटी भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए एंड कमेंट करिए ब्लॉग कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब इफ न्यू ऑन माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज के ब्लॉग एक साथ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, सपोर्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, कीप थिंकिंग पॉजिटिव, नेक्स्ट टाइम बाय बाय।